Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Now it's time for your environment class. Okay. So yesterday in the previous class we had discussed about animals that live in water. So which are the animals who live in water? Like fish, octopus, whale, shark. These are the animals who live in water, and they are called as aquatic animals. Okay. And their homes are called natural homes. उनके होम को हम क्या कहेंगे? Natural homes कहेंगे, okay? And some fishes are kept in our homes. कुछ fishes ऐसी होती हैं जो human beings अपने घर में रखते हैं as a pet in the fish tank, and they are called man-made homes, okay? Then we discuss animals living both land and in water. कुछ animals ऐसे होते हैं जो कहाँ पे रहते हैं? Both land पे भी रह सकते हैं और water में भी रह सकते हैं. For example, crocodile, tortoise, frog, these are the animals who can live both on land and in water. Okay? And they are called as amphibians. जो दोनों जगह पे रह सकते हैं हम क्या कहेंगे? Amphibians कहेंगे. Okay? Then we discuss movements of animal. How animals move from one place to another in search of food, water, shelter and to protect themselves. अपने आप को बचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. एंड दे हैव डिफरेंट वेज टू मूव. वो अपने अलग अलग तरीके से मूव करते हैं ना. सम एनिमल्स क्लाइम, कुछ एनिमल्स लटकते हैं ना, लटक कर मूव करते हैं, जैसे कि मंकी. एंड सम एनिमल्स वॉक वेरी स्लोली लाइक टॉर्टोइज. सम एनिमल्स स्लाइडर, मतलब ग्राउंड पे जो चलते हैं एकदम क्लोज टू ग्राउंड होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल स्नेक. Then some animals runs very fast, जैसे कि चीता, डियर, लायन, टाइगर, these are the animals who runs very fast. Okay? Now today we will start animals and their young ones. Okay? हम animals के बारे में पढ़ेंगे और उनके baby को देखेंगे. Okay? So all of you take out your EVS textbook, page number 44. All of you put finger and read with me. एनिमल्स एंड देयर यंग वंस. यंग वंस हम किसे कहते हैं? बेबी को कहा जाता है, बच्चों को कहा जाता है. तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स और उनके बच्चों के बारे में. ऑल एनिमल्स हैव बेबीज हु लुक लाइक देम. हियर वी हैव फ्यू एनिमल्स विद देयर यंग वंस. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि हर एक एनिमल्स क्या क्या होते हैं? बेबीज होते हैं. हमने पढ़ा था ना कि लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग क्या कर सकती है? रिप्रोड्यूस कर सकती है. और एनिमल भी क्या है? एक लिविंग थिंग है. तो वो क्या करती है? बेबीज को जन्म देती है. और वो कैसे दिखते हैं? उनकी तरह ही दिखते हैं, है ना. सिर्फ उनका जो साइज होता है वो छोटा होता है, बट वो दिखने में क्या होते हैं? एनिमल्स की तरह होते हैं. हियर वी हैव फ्यू एनिमल्स विद देयर यंग वंस. अब हम क्या देखेंगे? कुछ एनिमल्स देखेंगे उनके बेबी के साथ.